सीमा, हैदर और अंजू, ये दो वो ऐसे नाम हैं जो पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में बने हुए हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी ये दो नाम बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं। सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं और अपने प्रेमी से मिलने के लिए हिंदुस्तान चली आई हैं, वो भी इलीगल तरीके से अपने बच्चों को साथ लेकर। वहीं अगर हम बात अंजू की करें तो अंजू को प्यार हो गया है पाकिस्तान के एक लड़के से और वो चली गई हैं उनसे मिलने पाकिस्तान। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि अंजू पाकिस्तान गई है लीगल तरीके से और एक अंजू का अपने प्रेमी के साथ कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद अंजू का नाम जो है वो हर तरफ गूंज रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नैंसी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का ये खास सेगमेंट अंजू पर। पाकिस्तान पहुंची अंजू अब फातिमा बन चुकी हैं, लेकिन हर कोई इस बात से हैरान है कि 72 घंटे पहले जो अंजू भारत आने का दावा कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने धर्म भी बदल लिया और नाम भी। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत, तो जैसे सोचते हैं, जैसे बोला था लोगों ने, जैसे सुना था, उससे ज्यादा खूबसूरत है। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा कर लिया है। अपने आशिक नसरुल्ला के लिए पाकिस्तान गई अंजू ने अब उससे निकाह कर लिया है। अंजू और नसरुल्ला के वेडिंग शूट का एक वीडियो भी सामने आया है। शादी के बाद अंजू का पहला बयान भी सामने आया है, आप भी सुनिए अंजू ने क्या कहा। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत, तो जैसे सोचते हैं, जैसे बोला था लोगों ने, जैसे सुना था, उससे कितनी ज्यादा खूबसूरत है, पता चल रहा है। बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। बता दें कि राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू अपने प्रेमी के लिए पति और बच्चों को छोड़कर भारत से पाकिस्तान पहुंच गई थी। वो 35 साल की है जबकि नसरुल्ला की उम्र 29 साल बताई जा रही है। वो खुद ये बात कबूल कर चुकी है कि नसरुल्ला से वो प्यार करती है। अंजू की तरह ही पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए हिंदुस्तान दाखिल हो गई हैं। वैसे आपको बता दें कि अंजू की प्रेम कहानी और सीमा हैदर की प्रेम कहानी में आखिर फर्क क्या है। बता दें कि सीमा हैदर जो है वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई हैं, जबकि अगर बात हम अंजू की करें तो वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके पाकिस्तान गई हैं। जब एबीपी की टीम ने अंजू के पति से बात की तो उन्होंने बताया कि अंजू जिस वक्त घर से निकलकर गई थी तो उसने बताया था कि वो जयपुर अपने दोस्त से मिलने जा रही है, जिसके बाद उसको अब जाकर पता चला है कि वो अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान चली गई है। फिलहाल अब अंजू की शादी का वीडियो सामने आने के बाद देखना होगा कि उसके घर वालों की तरफ से कैसा रिएक्शन आता है। अंजू के फातिमा बनने पर एक तरफ घर वाले हैरान हैं तो वहीं दूसरी तरफ पिता ने अंजू के लिए सरकार से सजा की मांग कर दी है। वो अंजू जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है, जिसने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया है, वो अंजू जो अब फातिमा बन चुकी है, वो अंजू जो नसरुल्लाह के प्यार में दीवानी होकर अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। लेकिन ऐसा करने से पहले अंजू ने कभी सोचा नहीं था कि उसके परिवार का क्या होगा, उसके माता पिता का क्या होगा। अंजू के पिता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अंजू के पिता अपने आप को बदनसीब पिता बता रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं, मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं। अंजू के पिता कह रहे हैं अंजू के चलते उनके पूरे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंजू के इस कारनामे से हमारे पूरे परिवार की खुशहाली छिन गई है। अंजू को भारत आने का अब कोई हक नहीं है, वो वहीं रहे, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। जिसने ना अपने बच्चों के बारे में ना पति के बारे में सोचा, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, अब वो हमारे लिए मर गई है। परेशान नहीं है, मेरे पूरे फैमिली परेशान है। अच्छे से मेरे बच्चे लोग काम कर रहे थे, अपने अपने जगह में जॉब कर रहे बच्चे, दो वक्त का रोटी के लिए इधर उधर भागते फिर रहे मेरे बच्चे। छोटी सी एक नौकरी करता था मेरा बेटा, वो भी छूट गया नौकरी उसका। अभी हम खाने पीने के लिए भी परेशान है यहाँ पर। नौकरी मेरे मेरे बेटे की या मेरे बच्चों की क्या गलती था इसमें? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको, और वो वापस भी नहीं आए इधर। अच्छा है,
अंजू के पिता ने भारत सरकार से अंजू को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि उसे सरकार अपनी कस्टडी में ले। अंजू ने गलत काम किया है और उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी लड़की को जीने का हक नहीं है। मैं भारत सरकार से यही मैं निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके उस बेटी को इधर आने से अपने एकदम कड़ी सुरक्षा में लिया जाए। उसने इस तरीके का कदम उठाया ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य में कोई भी बेटी या बेटा इस तरीके का कदम नहीं उठाने पाए। अंजू के पिता बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कल तक जो बच्ची मेरी थी वो अब मेरी नहीं रही। देश को अंजू ने शर्मसार कर दिया है। अंजू को अब भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अब अपने बच्चों से दूर रहना चाहिए। उसे अब यहाँ आने पर बच्चों से न मिलने दिया जाना चाहिए। हम उसके दोनों बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से सच में माफ चाहता हूँ। मैं उससे ये गुजारिश करता हूँ कि उसके जो दो बच्चे हैं उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। अंजू के पिता ने सरकार से अपील की है कि सरकार ऐसा नियम कानून लाए जिससे आने वाले वक्त में कोई भी बेटी या बेटा ऐसा कदम न उठा पाए। मेरी बेटी ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। हमारे पास बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो हम खुदकुशी कर लेती। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारे लिए तो डूब मरने की बात है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पीछे बच्चे, हम मर भी नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे जी के? पर भी हम सोचते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, उनकी शादी करना है। मेरे बेटे के लिए जीना है मुझे, मेरे अपने बच्चों के लिए जीना है, मैं इसलिए मैं जी रहा हूँ। अंजू की शादी की खबर सुनने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। एक तरफ जहां अंजू के पति परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंजू के पिता अंजू से बात करने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या पिता के इस बयान के बाद अंजू कोई प्रतिक्रिया देती है या फिर खामोश रहेगी। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि अंजू जल्द भारत वापस आ सकती है। लेकिन अगर अंजू भारत वापस आई तो देखना होगा कि होता क्या है। अंजू पाकिस्तान में अपने प्रेमी नसरुल्ला की हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बच्चों का क्या होगा? हर कोई इस सवाल का जवाब। एक है सीमा हैदर और दूसरी अंजू डेविड। दोनों को मोहब्बत की ऐसी खुमारी छाई कि एक पाकिस्तान से सीमा पार भारत पहुंच गई, तो दूसरी अपने वतन से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चली गई प्यार पाने के लिए। प्यार की चाहत में पहले शौहर को ही कुर्बान कर दिया। इन दोनों माओं ने अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए अपने बच्चों के अधिकार छीन लिए, अपने बच्चों से उनके पिता का प्यार छीन लिया। अब दोनों के बच्चों को पता नहीं कि उनको उनके माता पिता का प्यार कभी मिल भी पाएगा या नहीं। आज की माओं के इस कदम से बच्चों के अधिकारों पर मानो ग्रहण सा लग गया है। जब से अंजू और नसरुल्ला के कथित प्री वेडिंग का वीडियो और निकाहनामे की फोटो सोशल मीडिया और मीडिया पर छाई है, तब से बड़ा सवाल उठ रहा है कि अंजू के बच्चों का अब क्या होगा। दरअसल अंजू के दो बच्चे हैं और अब वो अंजू के पिता के पास रह रहे हैं। बच्चों को नाना से मिलाने लेकर गई बेटी उनको वहीं छोड़ आई, नाना ही उनको पाल पोस रहे हैं। दोनों बच्चों से पिता की तो लगातार बातचीत होती है, लेकिन बच्चों से अब माँ का प्यार छिन गया है, क्योंकि माँ इश्क लड़ाने के लिए पाकिस्तान जो चली गई है। हालांकि वहाँ से वीडियो कॉल से बात कर बेटी से जल्द आने की बात जरूर कह रही है। चला गया है। कौन लगती थी आपके? हमारी भाभी लगन जी, वो चली गई है। उनके कितने बच्चे थे? दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आपके भाई साहब की शादी कहाँ हुई थी और कब हुई थी? जी उनकी शादी भिवाड़ी में हुई थी 2007। वो अचानक से दो बच्चों को छोड़ के चली गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाभी को। अंजू की बेटी की उम्र तकरीबन 15 साल है, जबकि बेटा महज 5 साल का है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अंजू अपने बच्चों को भी सीमा हैदर की तरह दूसरे देश ले जाएगी, या फिर पहले पति की तरह बच्चों को भी प्यार में कुर्बान कर देगी, अपनी ममता का गला घोट देगी। उसके बच्चों का भविष्य अब क्या होगा,
क्या अंजू के बच्चों को माँ का प्यार मिल पाएगा? आखिर इन बच्चों की गलती क्या थी जिसकी सजा इन्हें इतनी सी उम्र में भुगतनी पड़ रही है? आखिर क्यों आज की पीढ़ी एक गलत कदम उठाने से पहले बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोचती? आपको बता दें कि अंजू बीती 20 जुलाई को राजस्थान के भिवाड़ी से वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थी और महज 5 दिनों के भीतर ही नसरुल्ला ने उसका धर्मांतरण करा दिया। सोशल मीडिया में जो निकाहनामा वायरल हो रहा है उसमें अंजू का नाम फातिमा लिखा है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि फातिमा बनकर ही अंजू ने नसरुल्ला से निकाह किया है। खैर, अंजू ने नसरुल्ला के साथ नई जिंदगी की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि उसके दो बच्चों का क्या होगा। अंजू के पाकिस्तानी आशिक नसरुल्ला ने अंजू को तो अपना लिया, क्या वो अंजू के बच्चे को भी अपनाएगा? क्योंकि सीमा और अंजू की कहानी में यही फर्क है कि सीमा बच्चों को साथ लेकर सचिन के पास हिंदुस्तान आई है, जबकि अंजू बच्चों के बगैर पाकिस्तान पहुंच गई है। अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए उसने अपने देश का नहीं सोचा, अपने परिवार का नहीं सोचा, अपने पति का नहीं सोचा, और तो और अपने कलेजे के टुकड़ों का नहीं सोचा, अपनी ममता को भी मार दिया। जी हाँ, हम उसी अंजू का जिक्र कर रहे हैं जो हिंदू से ईसाई बनी और अब ईसाई से मुस्लिम बन गई है। इस वक्त अगर कुछ चर्चा में है तो यही है कि अंजू ने नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अंजू और नसरुल्ला ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी शादी की खबरों के बीच नसरुल्ला को लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अंजू का आशिक नसरुल्ला सीमा के प्रेमी सचिन की तरह उसके दोनों बच्चों को अपनाएगा? नसरुल्ला अंजू के बच्चों को एक पिता का प्यार दे पाएगा? नसरुल्ला को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नसरुल्ला और सचिन की कहानी कुछ मिलती जुलती है। एक तरफ नोएडा के रबुपुरा का रहने वाला सचिन मीणा है, जिसने पाकिस्तान से भारत आने में अपने प्यार का न सिर्फ साथ दिया बल्कि सीमा हैदर को उसके चार चार मासूम बच्चों के साथ कबूल भी किया। वहीं दूसरी तरफ अंजू की प्रेम कहानी है, जिसमें नसरुल्ला की एंट्री फेसबुक के जरिए होती है। नसरुल्ला भी अंजू को अपने प्यार का वास्ता देकर पाकिस्तान बुला लेता है, लेकिन छोड़ देता है तो उसके दो बच्चे। सचिन से नसरुल्ला की तुलना इसलिए भी हो रही है क्योंकि सचिन सीमा को उसके बच्चों के साथ भारत बुलाता है, जबकि नसरुल्ला ने अंजू को बिना बच्चों के अकेले ही पाकिस्तान बुला लिया और तो और कुछ ही दिन में उसका मजहब तक बदल डाला। अंजू को पाने के लिए नसरुल्ला ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, लेकिन उसके बच्चों के बारे में सोचा तक नहीं। इन सब चीजों के सामने आने के बाद नसरुल्ला पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये कि क्या सचिन की तरह नसरुल्ला अंजू के बच्चों का एक पिता की तरह ख्याल रख पाएगा, जैसे सचिन मीणा इस वक्त सीमा हैदर के बच्चों का रख रहा है? क्या नसरुल्ला भी सचिन मीणा की तरह दिलदार होगा? क्या वो अपने दिल में अंजू की तरह उसके बच्चों को भी जगह देगा? और अगर नसरुल्ला सचिन मीणा की तरह अंजू के दोनों बच्चों को अपनाता है तो उन्हें लाने के लिए आगे क्या करेगा, या फिर अंजू को अपनाकर उसके बच्चों को माँ की ममता से महरूम कर देगा? सीमा और सचिन की तरह अंजू और नसरुल्ला की इस कहानी में भी सवालों का ये कारवा कब खत्म होगा ये तो पता नहीं। ये अजब प्रेम की गजब कहानी आगे कहाँ जाती है ये भी वक्त ही बताएगा। अंजू और नसरुल्ला की प्रेम कहानी में हर दिन कोई न कोई ट्विस्ट जरूर आता है। अब अंजू और नसरुल्ला ने एक बार फिर शादी की खबरों से इनकार कर दिया है। अंजू के पाकिस्तान जाने पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि इस लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया, ऐसा ट्विस्ट जिसने पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में खलबली मचा दी है, जिसे सुनकर आपको भी अभी हाल ही में आई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का टाइटल याद आ जाएगा। कल तक आपने टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया में अंजू की शादी की खबरों को देखा होगा कि पाकिस्तान में जाकर अंजू ने नसरुल्ला से निकाह कर लिया। अंजू और नसरुल्ला की शादी के साथ ही प्री वेडिंग शूट का वीडियो भी तहलका मचा रहा था, लेकिन इसी बीच अंजू ने पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्ला से शादी की खबरों का खंडन कर दिया है। अंजू ने अपने और नसरुल्ला के साथ संबंधों पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ, और अभी मुझे वापस जाना है, और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। तो सुना आपने, मजहब बदलने वाली अंजू शादी की खबरों से ही पलट चुकी है। अंजू ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो बस अपने दोस्त नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान आई है और सगाई या शादी की सारी खबरें बिल्कुल गलत हैं। इसके साथ ही अंजू ने बताया कि वो 1-2 दिन में भारत वापस जा रही है। सोशल मीडिया पर अंजू के निकालनामे का जो फोटो सामने आया है वो अंजू पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या अंजू पर कोई दबाव था या फिर वो भारत आने पर पूछताछ के डर से दुनिया को गुमराह कर रही है? आखिर क्या है अंजू के पाकिस्तान जाने की सच्चाई? बहरहाल अब अंजू के केस में आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एबीपी गंगा के अंजू स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है और इस तरीके के तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप एबीपी गंगा पर बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।